Hello students, in this chapter we will know something about the inventions and discoveries. So let's start to know the 15th chapter of GK book of class 6. First question students is, what do we call a doctor who studies and treats diseases of the nerves? जो nerves का की बीमारी का जो अध्ययन करता है उस डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स उसे हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं. एंड सेकंड क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने. थर्ड क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने. फोर्थ क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन को किसने खोज की थी? जे थॉमसन. फिफ्थ क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन की थ्योरी किसने प्रोपाउंड किया था? चार्ल्स डार्विन 1858 में, एंड अल्फ्रेड रसेल स्वेलेक, ये दोनों. और सिक्स क्वेश्चन जो है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो ये आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन थे इसके. सेवेंथ क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने. एट क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स? न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर किसको बोला जाता है आपको एट क्वेश्चन का? तो उसका आंसर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड. नाइन्थ क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड एक्सरेज? एक्सरेज की खोज किसने की थी? डब्ल्यू सी रोन्टेगन ने. और टेंथ क्वेश्चन है कि व्हेन आयरन रस्ट इज रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? तो क्या होता है, ऑक्सीजन से अगर आयरन रस्ट जो है रिएक्ट करता है तो उसमें आयरन ऑक्साइड बनता है. अब है 11th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको जानना चाहिए, वह है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द स्पाइनल कोड? स्पाइनल कोड में टोटल कितने बोन्स होते हैं? तो स्टूडेंट्स द टोटल बोन्स अप्रॉक्सीमेट 33 होते हैं. जिसको सब डिवीजन में हम करें, सब डिवाइड करें, तो आपको 7 जो होते हैं वो सर्वाइकल रीजन में होते हैं, 12 जो है वो थोरेसिक रीजन में होते हैं, 5 जो है लंबर रीजन में, 5 सैक्रल रीजन में होते हैं, एंड 4 जो होते हैं वो कॉक्सिजियल रीजन में होते हैं. तो इसको हम वर्टिब्रे कहते हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे और 12 आपको थोरेसिक में, तो 5 लंबर में और 5 आपको सैक्रल में. और 12th क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल मैन? नॉर्मल मैन का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो स्टूडेंट 120/80 यानी कि 120/80 नॉर्मल का होता है. उससे ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन, कम हो गया तो आपका वो भी आपको लो ब्लड प्रेशर हम कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है तो. अब 13 क्वेश्चन है कि व्हाट डू वी यूज टू मेजर अ पर्सन्स ब्लड प्रेशर्स? ब्लड प्रेशर्स को नापने वाले यंत्र जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो एस्फाइगमो मैनोमीटर्स उसके बोलते हैं हम, एस्फाइगमो मैनोमीटर, ध्यान रखिएगा. और 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेपर चेंजिंग इनटू द वाटर कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एंड 15th, विच इज द हॉटेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लानेट कौन है? सबसे नज़दीक तो आपको मैंने बताया था माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्टिनस 9 प्लैनेट में मरकरी, बट उसका बाद का वेनस जो होता है दैट इज नोन एज द हॉटेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम. 16 जो है आपका क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज फॉर फ्यूल? हम किस गैस को फ्यूल के रूप में लेते हैं? LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे कहते हैं. 17 क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वह लीवर होता है, और सबसे बड़ा ऑर्गन भी होता है इंटरनल पार्ट का जो होता है ह्यूमन बॉडी में, और बाहरी का एक्सटर्नल पार्ट का होता है स्किन, इसे ध्यान रखिएगा. और 18 क्वेश्चंस जो है वह है, थॉमस एल्वा एडिसन वाज नोन एज द विजार्ड ऑफ विच प्लेस? दैट इज़ यू नो मेनलो पार्क.
19 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन विच इन व्हाट यूनिट आर कंप्यूटर माउस मूवमेंट मेजर्ड, उसको हम किस यूनिट से नापते हैं, तो मिकी होता है उसका आंसर। और 20 क्वेश्चन जो हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, दैट इज ए स्किन, बट whenever you will be asked what is the largest organ of human internal body, that is liver, उसका कम से कम मेरे समझ से 1.6 kg के आसपास होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इंटरनल जो होता है वो सबसे बड़ा लीवर, और बाहरी जो होता है एक्सटर्नल वो स्किन होता है। सो इसे आप याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।